दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं किसी भी प्लॉट में अगर आपका 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है तो उसमें नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी लगेंगे। सपोज दैट आपका ये एक प्लॉट है, मैं आपको प्लॉट का साइज दिखा देता हूँ। ये एक प्लॉट है और जिसका साइज है 20 इधर है और 50 इधर है, 20 बाई 50। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स इसमें कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आप घर बनवाना चाहते हैं और चाहते हैं कि इसमें कितने ब्रिक्स लगेंगे कैसे पता करें, तो मैं आपको उसका आज कैलकुलेशन बताऊंगा। आप एग्जैक्ट नंबर ऑफ ब्रिक्स पता कर पाएंगे कि कितने ब्रिक्स आपके घर बनवाने में लगेंगे। चुटकियों में आसानी से नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड आउट कर पाएंगे कि आपके घर में कितने लगेंगे। सबसे पहले आपको कैलकुलेशन करना होगा कितनी वॉल बननी है, क्योंकि देखिए 1000 स्क्वायर फीट में कोई एक रूम बनवाता है, कोई दो रूम बनवाता है, तो उसके अकॉर्डिंग ब्रिक्स लगेंगे। तो सबसे पहले अगर आप 1000 स्क्वायर फीट की बात करें और आपके चारों तरफ ये जो वॉल होने वाली है 9 इंच की अगर आप वॉल बनवाते हैं, तो सबसे पहले आपको इसका लेंथ फाइंड आउट करना होगा 9 इंच वाली वॉल का। ये तीन वॉल आपकी 9 इंच की है, ये 50 है और ये भी आपका 50 हो जाएगा, पीछे भी 20 हो जाएगा। तो कितना करना होगा, 50 आपका ये वाला वॉल हो गया और 20 आपका पीछे वाला और 50 ये वाला, ये 9 इंच की वॉल बनेगी। तो 50 + 20 + 50 = 120, ये आपका फीट में दोस्तों चल रहा है, क्योंकि 20 बाई 50 फिट का यहाँ पर रेशियो मैंने लिया है। तो अब आपका 120 फिट इसकी लंबाई निकल आई जो 9 इंच की आपकी वॉल बनानी है। अब आप सपोज दैट आपको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको घर कितना ऊंचाई का बन रहा है। आपने जो हाइट रहेगी वो मैं अप्रॉक्स में यहाँ पर मैं लेके चल रहा हूँ, हाइट ऑफ वॉल इक्वल टू, मतलब घर की ऊंचाई लगभग 10 फीट अप्रॉक्स में मैं लेकर चल रहा हूँ। तो यहाँ पर अब आपकी जो वॉल की लेंथ है, जो आपने वॉल की लेंथ निकाली 120 मीटर, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब आपके जो 9 इंच का वॉल का लेंथ है विथ हाइट प्लस हाइट भी इसमें मैं इंक्लूड अगर कर दूं, तो जो अब इसमें आपको लेंथ हाइट से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आ गया आपका 1200, ये आपका अगर फिट स्क्वायर, क्योंकि आपकी 120 फिट लंबाई थी और आपका 12 फिट ऊंचाई आ गई, 10 फिट ऊंचाई आ गई। अब अगर हम फाइंड आउट करें नंबर ऑफ ब्रिक्स, लेंथ निकालने के बाद हाइट से मल्टीप्लाई करना। अब इसके बाद देखिएगा, अब जब नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालेंगे तो जो आपका लेंथ और हाइट का मल्टीप्लिकेशन आया था 1200 फिट, इसमें आपको 10 से मल्टीप्लाई फिर कर देना है, तो ये नंबर आप आपकी ब्रिक्स निकल आएंगी 12000 ब्रिक्स। तो 9 इंच का वॉल बनाने में नंबर ऑफ ब्रिक्स आपकी निकल आएंगी 12000। आप ये कैलकुलेशन रखिएगा। इसके बाद में साइड में आपको यहाँ पर शो करता हूँ, अगर आपके घर में 5 इंच की वॉल बनाई जा रही, देखिएगा अभी आपका ये प्लॉट साइज है, आपके प्लॉट साइज में हो सकता है आपका यहाँ पर पीछे एक रूम हो, एक ऐसी वॉल हो, इसके बाद आगे आपका एक गेस्ट रूम इधर पर हो ये वाला, और हो सकता है आपका यहाँ पर किचन हो। आप एग्जैक्ट देख लीजिए, जो भी हो ये किचन हो और आपका इधर या कहीं पर भी लेट बात अपना आप एग्जैक्ट बताइए, ये देखिएगा। तो सबसे पहले आपको इनकी जो 5 इंच की वॉल मैंने बनाई, इनकी लेंथ फाइंड आउट करनी होगी। तो ये देखिए, ये इस वाली वॉल की 20 फिट है मैं मान के चलता हूँ, तो 5 इंच वॉल लेंथ इक्वल टू 20 फिट ये है, तो आप 20 फिट ऐड कर दीजिए। ये मान के चलता हूँ मैं 10 फिट की वॉल है, 10 फिट को ऐड कर दीजिए। अब 6 बाई 5 का मान लो मैंने किचन बनाया, 6 बाई 5 का किचन, तो +5 फिट + 6 फिट आपका बाथरूम, सपोज दैट मैंने भी 6 बाई 5 का बनाया, तो +5 फिट + 6 इंच। अब ये जो गेस्ट रूम वाली वॉल है, ये जो मैंने बनाई, इसको मैं इधर ऐड कर लेता हूँ, ये सपोज दैट 15 बाई 10 है, तो 15 फिट + 10 इंच प्लस, अभी देखिए ये वॉल आपकी छूट गई थी ये वाली वॉल, लेकिन इसमें आपका मेन डोर भी लगा होगा, इसमें मेन डोर लगा होगा सपोज दैट 6 फिट चौड़ाई का और 10 फिट ऊंचाई का, 6 बाई 10 का, क्योंकि जाली समेत लोग लगवाते हैं, 6 बाई 10 का कुल मिलाकर मैं 6 फिट यहाँ से ये हटा दे रहा हूँ। इसके बाद जो बचा आपका 14 फिट, वो आपको
इंक्लूड की ले रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर आपकी वॉल कम हो गई है तो आप उसको यहाँ पर उसकी लेंथ हटा सकते हैं। अब इसको सबको ऐड करना होगा, तो अब देखिएगा 20 10 30 और 22 ये हो गए आपके 52, 10 62 और 30 92 लगभग आपका 90 के अप्रॉक्स आ रहा। आप ऐड कर लीजिए एग्जैक्ट फिगर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 90 में लेकर चल रहा हूँ मोटा मोटा। तो 90 फिट यहाँ पर आपकी ये दीवार बनने वाली है टोटल। अब जब आपने 5 इंच वाले वॉल की लेंथ निकाल ली, अब इसमें आपको हाइट से भी मल्टीप्लाई कराना है। अभी हाइट से भी मल्टीप्लाई कराना है, तो हाइट से मल्टीप्लाई कराने के लिए जितनी ऊंची आपको दीवार बनानी वो 10 की बनानी है, तो 900 और आपका आ जाएगा, ठीक है। ये 900 फिट स्क्वायर आ गया। अब आप नंबर ऑफ ब्रिक्स निकाल लिए, नंबर ऑफ ईंटों की संख्या निकालिएगा 5 इंच की वॉल में कितने आएगा। अब ध्यान रखना आपकी बार दोस्तों, आपको 10 से नहीं 5 से मल्टीप्लाई कराना है, तो 4500 ब्रिक्स आपके यहाँ पर लग गए। तो ओवरऑल घर की बात करें, आपके यहाँ पर देखिए 1200 ब्रिक्स लग गए थे, यहाँ पर आपके 4500 ब्रिक लगे, तो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स आप निकालिएगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स तो 12000 ब्रिक्स जो लगे थे 9 इंच की वॉल बनाने में, और 4500 वॉल ब्रिक्स लगे हैं 5 इंच की वॉल बनाने में, तो टोटल ब्रिक्स आप जोड़ लेंगे 16500 ब्रिक्स लगेगा आपके मकान को बनाने में। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि यह नंबर विंडोज और डोर दरवाजे और खिड़कियां भी लगेंगी, तो उसका मैंने माइनस नहीं किया है दोस्तों, उतना वेस्टेज में आ जाता है। अगर आप देखते हैं उतना आपका ईंट वेस्ट हो जाता है। अगर आप वो भी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप उसका लेंथ और ब्रेथ निकाल लें। मैंने मेथड बता रखा है कि अगर 3x6 इंच का आपका एक दरवाज़ा है तो 3x6 18 फिट हो गया। उसमें अगर हाइट उसकी जो भी है, क्योंकि हाइट 6 फिट है तो ऑलरेडी आपने हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब यहाँ विड्थ की बात करें तो यहाँ पर 5 इंच वाली वॉल में ही लगता है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18×95 ब्रिक्स अप्रॉक्स में लगेगा, तो वो आप माइनस कर सकते हैं, या आप इतना वेस्टेज हो जाता है उतना कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हैं, आपको आइडिया हो गया होगा। तो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स की अगर हम बात करें, कैसे फाइंड आउट करना होता है वो मैंने आपको बता दिया है, और सबसे बहुत ही आसान है चुटकियों में आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले अपने घर का मैप बनाइएगा, मैप बनाने के बाद आपका 9 इंच का जहां वॉल बन रहा है वो आप निकालिएगा, और जो 5 इंच की वॉल बनानी है वो निकालिएगा, तो उसकी लेंथ निकाल लीजिए, उसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर 9 इंच की वॉल बना रहे हो तो उसमें 10 से मल्टीप्लाई करिएगा नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए। अगर 5 इंच की वॉल बना रहे हैं तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए आपको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऐसे बहुत ही आसानी से आप नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं अपने घर बनाते समय। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।